भाजप नेते किरीट सोमय यांच्या पत्रकार परिषदेत अति माझी विनंती आहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मेरी प्रार्थना है कि उनके पारिवारिक मित्र, बिजनेस पार्टनर, मनी लॉन्ड्रिंग के सहयोगी नंदकिशोर चतुर्वेदी जी को कहां छुपाया है वो महाराष्ट्र की जनता को बताने की कृपा करें। ठाकरे परिवार मतलब आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, मेहुणा श्रीधर पाटणकर, त्यांच्याबरोबर नंदकिशोर चतुर्वेदीचे अनेक आर्थिक व्यवहार बाहेर आलेले आहेत। मी जे तपास यंत्रणाच्या विभिन्न अधिकाऱ्यांची चर्चा केली ते शोधतायत नंदकिशोर चतुर्वेदी गायब आहे। हवाला किंग एंट्री ऑपरेटर ठाकरे सरकारचे पारिवारिक मित्र, बिजनेस पार्टनर नंदकिशोर चतुर्वेदी गायब है। नंदकिशोर चतुर्वेदी को भगोड़ा घोषित किया जाए यह हमारी मांग है। यानी करोड़ों रुपये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भ्रष्टाचार का पैसा, माफिया सरकार ने महाराष्ट्र ने लूटलेला पैसा पार करण्यात मदत केली, दीड डझन उन अधिक कंपन्या नंदकिशोर चतुर्वेदी ने ठाकरे परिवार सारखे अनेकांना शेयर बाजार का पेनी स्टॉक कन्सेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग करण्यासाठी उपयोग करून दिला तर नंदकिशोर चतुर्वेदी हातात येत नाही। मला विश्वास आहे की पुढच्या काही दिवसात मग इन्कम टॅक्स असो, ईडी असो, कंपनी मंत्रालय असो, हे नंदकिशोर चतुर्वेदीला अपकॉन्डिंग डिक्लेअर करणार, त्याच्या विरोधात नॉन वॅलेबल वॉरंट न्यायालयातून मिळू शकेल अति विनंती व विश्वास व्यक्त करीत आहे। नंदकिशोर चतुर्वेदीचा हे एक डझन कंपन्यांची यादी आहे, परंतु या कंपन्यातून दुसरी दोन डझन कंपन्यांची यादी पण बाहेर आलेली आहे। नंदकिशोर चतुर्वेदी आणि आदित्य ठाकरेंचा तीन कंपन्यांचा व्यवहार मी काही दिवसापूर्वी दिला होता। आदित्य ठाकरे जी ने अभी तक उनके छोटे बंधु तेजस ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने, किरीट सोमैया ने जो 8 दिन पहले 10 दिन पहले नंदकिशोर चतुर्वेदी के द्वारा 7 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग जो कॉमर स्टॉक के द्वारा नंदकिशोर चतुर्वेदी की मदद से किया था, एक शब्द भी कहा नहीं है। तो क्या मैं मान लू कि ठाकरे परिवार मनी लॉन्ड्रिंग में नंदकिशोर चतुर्वेदी का उपयोग कर रहे हैं? और दूसरी दो कंपनी के नाम भी बताया है। मैं आज और एक प्रश्न, मैं आज अंकिन एक प्रश्न उद्धव ठाकरे ना विचारू इच्छितो। उद्धव ठाकरे जी, श्रीधर महादेव पाटणकर हे आपले मेहुणे, अपना आपल्या पत्नीचे भाऊ आहे। श्रीधर महादेव पाटणकर ने श्रीजी होम्स ही कंपनी आपल्या मेहुणाची आहे। श्रीजी होम्स एक पार्टनरशिप कंपनी आहे, शिवाजी पार्क का तिथे मोठं बिल्डिंग इमारत उभी केली आहे, करोडो रुपयाची इमारत आहे। आणि या श्रीजी होम्स मध्ये 29 कोटी 62 लाख 29 हजार
3 ते 20 रुपये मनी लॉन्ड्रिंग होऊन आलेले आहेत। मैं रिपीट करता हूं, मैं उद्धव ठाकरे जी को सवाल पूछ रहा हूं, ये 3G होम्स कंपनी को आप जानते हैं? ये रियल एस्टेट डेवलपर है? ये बिल्डिंग का कार्यालय, इस कंपनी का कार्यालय बांद्रा मुंबई में है? इस कंपनी को चलाने वाला पार्टनर ये आपके साले श्रीधर महादेव पाटनकर है? ये पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत ये कंपनी चलती है? इस कंपनी में एक पार्टनर श्रीधर पाटनकर है और दूसरे दो पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। इस कंपनी के द्वारा 29,62,29,320 रुपये का काला धन इस कंपनी में पार्क किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इस मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए आपने कौन से चतुर्वेदी की मदद ली? और सीधा सवाल उद्धव ठाकरे जी से, इस कंपनी का आपका संबंध क्या? उद्धव ठाकरे यानी सांगाव या कंपनी से आपका संबंध क्या है? 29,62,61,320 रुपये तो मनी लॉन्ड्रिंग, दोन एंट्रीज, एक 5,86,80,902, दूसरी एंट्री 23,75,48,418, श्रीजी होम्स शिवाजी पार्क कैटरिंग कॉलेज के सामने बिल्डिंग बनाया गया, उसमें उद्धव ठाकरे के साले साहब पार्टनर कम मालक कम संचालक है। उस कंपनी के एक पार्टनर श्रीधर पाटनकर और दूसरे दो पार्टनर दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, और इस कंपनी में 5,86,80,902 की एक एंट्री और 23,75,48,418 की दूसरी एंट्री, 29,62,29,320 रुपया पार्क किया गया है। उद्धव ठाकरे जी बताइए आपका इस कंपनी से संबंध क्या है? मैं एक दूसरी छोटी सी न्यूज अलग है वो भी जरा देना चाहूंगा। आपल्याला आठवत असेल काही महिन्यापूर्वी जितेंद्र आव्हाड यांचे वाजे या विषयावर मी बोललो होतो आणि त्यामुळे ह्या महाशय प्रवीण कलमे यांनी माझ्या विरोधात अनेक तक्रारी केल्या, पत्रकार परिषदा घेतल्या, हायकोर्टात एक याचिका केली, एक सिव्हिल डिफेमेशन केस, एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस, असे 3 केसेस फाईल केले। प्रवीण कलमेनी किरीट सोमय्याच्या विरोधात अनेक केसेस केल्या, अनेक आरोप केले कि कुठला बिल्डर बरोबर पार्टनर आहे, हजारो करोड ढापले, सगळंच बोलले। माझा उद्धव ठाकरेंना सवाल आहे, प्रवीण कलमे आज कुठे आहे? त्या जितेंद्र आव्हाड याची माहिती देऊ शकणार का कि प्रवीण कलमे भारतात आहे का विदेशात आहे? ही FIR ची कॉपी मी आपल्या देत आहे। ही प्रवीण कलमेचा विरोधात FIR एप्रिल महिन्यात फाईल करण्यात आली आणि त्या FIR मध्ये ही FIR किरीट सोमय्यांनी नाही, उद्धव ठाकरे सरकारनी SRAने दाखल केली आहे। SRAने FIR दाखल केली आहे की प्रवीण कलमे
सरकारी कार्यालयात एसआरएच्या कार्यालयात येऊन फायली आणि कागद चोरून नेतात, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। नॉन अवेलेबल गुन्हा आहेत, पोलीस त्यांना शोधत आहे। प्रवीण कलमे गायब आहे। सुमय यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या नातलगांवरती काय आरोप केलेले याच विषयी आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात। आपल्याबरोबर आहेत शिवसेना